कभी दो वक्त की रोटी के लिए बाबा की आंखों से आंसू निकले थे, आज जान की फिक्र के कारण बाबा की आंखों में आंसू फिर से है। बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद को डर है कि कहीं उनकी कोई जान ना ले ले। एक YouTube वीडियो से बाबा काफी फेमस हुए, मदद के लिए हाथ बढ़े और खाते में लाखों रुपए आए। लेकिन इन्हीं पैसों के बाद बाबा की परेशानी शुरू हो गई। कांता प्रसाद का आरोप है कि उनकी इस तरक्की से लोग द्वेष रख रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि ढाबे को जला देंगे। कांता प्रसाद को शक है कि हो ना हो धमकियां कोई और नहीं, उन्हें फेमस करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन ने ही दी। 8 दिसंबर शाम को 7 बजे ये हम तुम्हारी दुकान जला देंगे। फोन से धमकी आई थी? फोन पे आया था। किसने दी थी धमकी, क्या बात? उसने अपना नाम नहीं बताया हमारे को। कितनी देर बात हुई थी उससे? हमारी करीब बात हुई है 1-2 मिनट करीब बात हुई थी। क्या बातें हुई थी 2 मिनट में? उसने बोला कि बाबा हम तुम्हें डोनेशन दिए थे। बोला किसके नाम दिया? दिया किसको दिया है? कहता है गौरव खाते में। मैं बोले या गौरव खाते में? गौरव से मुझसे क्या लोगे? एक लड़का कहा था मैं गौरव का भाई हूँ, बाबा तुम्हें चटका दूँ? पहले तुम्हारे से पूछो बाबा चाय मिले, हम बोले चाय मिलेगा। बोला ठीक है। बोला बाबा तुमने अच्छा काम नहीं किया। बोला भाई क्या हुआ? कहता मैं तुम्हें चटका दूँ, मैं गौरव का भाई हूँ, ये हमसे बोला था। तो क्या लगता है कि गौरव इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, गौरव ही करा रहा है? भाई आखिरकार में गौरव नहीं करवाएगा तो इस किस्म की कौन मिलेगा? हमसे किसी दुश्मना तो है नहीं, आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपको शक है इस बात का कि? हाँ जी, हमें शक, यही बात में शक है कि भाई यही करा क्यों, कि जब से कंप्लेन हुआ है तब से धमकी आ रही है। लगातार धमकी मिलने के कारण एक वकील प्रेम जोशी इनकी मदद के लिए सामने आए हैं, थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आज के टाइम में बाबा को इतना थ्रेड मिल चुका है और जो मिल रहा है, तो आप देखिए कि आपने अभी 2 मिनट की उनके साथ बाइट करी है और उसमें वो रोने लग गए, क्योंकि अब उनकी जान पे खतरा आ रहा है और उनकी दुकान पे खतरा आ रहा है, लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें FIR होने के बाद शुरू हुई है। आज तक उनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं थी। और लास्ट टाइम जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी कई लोगों ने पूछा था कि बाबा कई तरह कोई थ्रेट मिल रहे हैं, लेकिन हमने साफ कहा था नहीं मिल रहे। लेकिन FIR होने के बाद उन्होंने थ्रेट कुछ लोगों ने उनके बिहाफ पे, क्योंकि उसमें बाबा का ही कहना है, जब बाबा ने मुझे पहली बार कॉल किया था हमने सोचा कि ज़्यादा चीज़ों को और ना बढ़ाया जाए और कोशिश ना की जाए, तो हमने उसको FIR को कंप्लेंट को रोका, मतलब ज़्यादा हमने एकदम फाइल नहीं करी कि एक दिन पहली कंप्लेंट में हमने करा। ये इंसिडेंटली काफ़ी इंसिडेंट बढ़ते रहे, 14 को भी हुआ, 15 को भी हुआ, 18 को भी हुआ, ये होते रहे जब कंटिन्यूस हुए नवंबर में। हाँ जी नवंबर में। तो उसके बाद हमने फिर 21/11 को ये कंप्लेंट फाइल करी, जिसका नंबर है जो कंप्लेंट हमने फाइल करी 3325/21/11 को हमने फाइल करी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई अभी बात नहीं हुई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें अभी 2 दिन पहले ही IO के साथ हमारी मीटिंग हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बुलाया उन्होंने, तब बाबा ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, क्योंकि इस दौरान उनके पास एक बार फ़ोन पे भी थ्रेड आ गया था कि मैं आपका दुकान जला दूंगा। जब ये ज़्यादा चीज़ें होने लगी तो हमें और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, फिर हमें दोबारा पुलिस के पास जाना पड़ा। खैर ये तो कांता प्रसाद की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन गौरव वासन का पक्ष कुछ और है। गौरव ने हमें फोन पर जानकारी दी कि बाबा की ओर से लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कहते हैं ना कि दौलत और शोहरत किसी को आसानी से नहीं मिलती, और जब मिलती है तो उसे झेला भी नहीं जाता। बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले गरीबी को लेकर आंसू निकले थे, अब बाबा हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, अपनी जान की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। जिस चीज से डिजिटल मीडिया पर बाबा छाए, आज फिर शायद उसी मोड़ पर आ गए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।